So today we are going to start with the applications of the vertical circular motions. Vertical circular motion, we have already studied in the last two session. Okay, हमने calculate किया है velocities for different position at lowermost position, at mid position and for the uppermost position. Root 5 rg, root 3 rg and root rg. Okay, and also we have calculate the tension at any point in the string. When a particle or a bob it's perform a vertical circular motion, then we have also derived one formula for the tension at any point, tension at any point in a string, that we also derived. Today we will learn about some applications of the vertical circular motions. Kuch applications dekhne wale, jaise koi bhi agar ek bike hai speed breaker ke upar se theek hai run ho rahi hai, agar let's suppose a bike or a motorcycle or a car, if it is moving over a speed breaker or a convex surface, then at that case you will observe that if the speed is much more larger, agar speed bahut zyada hai iski motorcycle ki to kya hota hai aapko pata hai, agar speed of motorcycle is much more higher or the speed of car is much more higher, then what you will observe in that case, you will observe that car, okay, that tire surface will get lifted from the road surface. टायर के जो भी सरफेस हो गए थोड़ा सा लिफ्ट हो गया अपर मोस्ट सरफेस से, अगर आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से बहुत ज्यादा स्पीड से अगर ओके जाते हो तो आपको पता है क्या होगा, टायर सरफेस गेट लिफ्टेड अपवर्ड, थोड़ा सा लिफ्ट होगा. आप एडवर्टाइज में देखते होगे, ओके एडवर्टाइज में आपने देखा होगा, नहीं तो धमाल मूवी देखा होगा, उसमें ठीक है कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज से लिफ्ट, ठीक है ब्रिज से थोड़ा हाई स्पीड से. So, इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप हाइयर स्पीड से जाते हो, ठीक है, और द स्पीड ब्रेकर इफ द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्सेस नॉट गेट प्रोवाइडेड टू यू, देन यू आर नॉट रिमेनिंग द सर्कुलर मोशन. क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए हमें क्या चाहिए, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, बराबर है, नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए. अगर वो हमें मिला नहीं तो कार क्या होगी, वहां पे सर्कुलर मोशन अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो उसी की वजह से कार क्या होती है, वर्टिकली थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएंगी, थोड़ा सा स्पीड अगर आपका ज्यादा बढ़ गया, बराबर. सो कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के ऊपर अगर आपका कार, ओके कार मूविंग में है, बाइसिकल मूविंग में, रोड का और मोटरसाइकिल मूविंग है, सो दिस इज नथिंग बट एप्लीकेशंस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज में, ठीक है, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल्स इसके पूछे जाते हैं, नीट और एमएचटीसीईटी में पूछे जाते हैं, स्टेट बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछेंगे. देखो क्या, लेट अस सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ वन कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज हियर, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, लेट सपोज दिस इज द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, बराबर. नाउ लेट अस सपोज अ कार इज मूविंग ऑन दिस रोड सर्फेस, ठीक है, अभी ये साइड व्यू है, इसका मतलब कार इस डायरेक्शन से यहां से आ रही है, यहां से ऐसे जाने वाली है, क्लियर, ओके यहां से ऐसे जाने वाले नीच. सो इन दिस केस टेल मी, इज इट एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि कार कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज के ऊपर जा रही है, बराबर है. हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशंस का एग्जांपल है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इस तरीके से रहेगा, बराबर है. ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल बन गया अभी, किसका एग्जांपल बन गया अभी, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ओके एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है. तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जैसे ही हमने वेलोसिटी निकाली थी उसी वे से हम यहाँ पे निकालने वाले, क्लियर, यस. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये तो बात क्लियर है. अगर कोई भी अगर कार कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज और स्पीड ब्रेकर से अगर घूम रही है तो वहां पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन आने वाला है, ठीक है. कौन सा मोशन आने वाला है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आने वाला है, क्लियर. So now we have to calculate the speed over this convex over bridge or the speed limit over the convex over bridge. So note down the topic that today we are going to calculate or we are going to take the derivation of that topic. Actually already we have covered it, but still we will once again calculate that derivation.
ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू. वर्टिकल सर्कुलर रोटेशन में देखा है, मगर अगर इस तरीके से आपको डेरिवेशन पूछता है तो इसी वे में आपको आंसर देना पड़ेगा. ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन और डिराइव एन एक्सप्रेशन, इस तरीके से भी आप बता सकते हो. एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फॉर अपर लिमिट, फॉर अपर लिमिट on the speed, upper limit on the speed when vehicle is at top of the convex overbridge. क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स में पूछे जा सकता है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फॉर द अपर लिमिट ऑन द स्पीड. स्पीड के लिए अपर लिमिट क्या होने वाली है? व्हेन अ व्हीकल इज एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवरब्रिज, व्हेन द व्हीकल इज एट द टॉप ऑफ द कॉन्वेक्स ओवरब्रिज, देन इन दैट केस व्हाट शुड बी द लिमिट. आपको पता है अगर आप ज्यादा स्पीड से अगर कॉन्वेक्स ओवरब्रिज से जाओगे तो आपको पता है क्या होगा, आपका कार और व्हीकल क्या होगा, थोड़ा सा लिफ्ट होगा ऑन थोड़ा सा लिफ्ट होगा, बराबर है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा लिफ्ट होगा अगर आपकी स्पीड ज्यादा है. तो हमें उस स्पीड की लिमिट निकालनी है सो दैट यू शुड रिमेन इन सर्कुलर मोशन. आप लिफ्ट नहीं होगे, ठीक है, हमें ऐसी स्पीड निकालनी है कि अगर उस स्पीड से अगर हम स्पीड ब्रेकर और कॉन्वेक्स ओवरब्रिज से अगर चाहते हैं तो हम अप लिफ्ट नहीं होगी, बराबर है. तो वो स्पीड हम यहाँ पे निकालने वाले. तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे डायग्राम, पता है प्रोसेस तो आप सबको पता है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे डायग्राम. तो डायग्राम में हम निकालेंगे सबसे पहले कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज. लेट सपोज दिस इज द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, बराबर है, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज है. यहाँ पे हम निकालेंगे एक कार्ट. लेट सपोज दिस इज द कार्ट विच इज मूविंग ऑन द कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज. ठीक है, इस तरीके से कार मोशन में, ठीक है, इस तरीके से कार ऐसे जा रही है, बराबर. तो आप सभी को पता है, लेट सपोज कंसीडर व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन दिस कार, ओके, और व्हीकल. कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट होने वाले हैं, कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट होने वाले हैं ऑन दिस पर्टिकुलर कार, कौन से फोर्सेस यहाँ पे एक्ट होने वाले हैं बता सकते हो? तो सबसे पहला फोर्स आपका फेवरेट, दैट इज mg, व्हिच इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, बराबर है. अभी मैंने क्या कंसीडर किया है, एक कार यहाँ भी आप ले सकते हो, ठीक है, एक कार यहाँ पे भी आप ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो. हमने कंसीडर ये किया है कि एक कार कहाँ पे, टॉप मोस्ट सर्फेस ऑफ द कॉन्वेक्स ओवरब्रिज है, क्लियर. तो यहाँ पे अगर है तो उसका जो भी वेट होगा वो सेंटर की तरफ होगा, सेंटर से पास होगा, बराबर है, सेंटर से पास होगा. mg will be acting in the vertically downward direction. और मैंने आपको बताया कोई भी अगर पार्टिकल्स सरफेस के ऊपर है, लेट सपोज दिस इज द ब्लॉक व्हिच इज हैविंग, कोई तो भी ब्लॉक है, इसका वेट mg व्हिच इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आपको पता है सरफेस उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट्स करता है, बराबर. तो यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट्स करेगा, रोड सर्फेस यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करने वाला है. कौन? रोड सरफेस, उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करने वाला है. लेट सपोज दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एग्जर्टेड बाय द रोड सरफेस, बराबर. ये बन गया आपका नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज एग्जर्टेड बाय द रोड सरफेस, बराबर. आपको पता है कि कोई भी अगर पार्टिकल सरफेस के ऊपर मोशन में, तो नॉर्मल रिएक्शन तो ऑफर्ड करेगा. एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपको पता है. देन नाउ इन दिस केस मुझे बताओ कि यहां पे कार रोड सरफेस के ऊपर रहनी चाहिए या वो ऊपर नीचे नहीं करनी चाहिए, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर दैट? रोड सरफेस के ऊपर रहनी चाहिए, ऊपर नहीं जाने चाहिए, बराबर है. तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन होगी मुझे बताओ, क्या कंडीशन होगी किसके लिए? दिस पर्टिकुलर कार विल रिमेन ऑन द रोड सर्फेस. कार रोड सर्फेस के ऊपर रहनी चाहिए, वो वर्टिकली अपवर्ड नहीं जानी चाहिए. हम भाग रहे मगर रोड सर्फेस छोड़ना नहीं चाहिए. अगर रोड सर्फेस से छोड़ के तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है, बराबर है. तो रोड सर्फेस छोड़ना नहीं चाहिए, रोड सर्फेस के ऊपर वो कॉन्टेक्ट में चाहिए,
बराबर है, इसका मतलब डेफिनेटली आपका जो mg होगा शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन, बराबर है, mg शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन से बनेगा ही, बराबर। हम उसी स्पीड से भागेंगे, हम नॉर्मल रिएक्शन को ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, बराबर है। अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा बढ़ गया तो वो सरफेस के ऊपर रहेगा नहीं, ऊपर भाग जाएगा, बराबर है। तो उसी स्पीड से हमें गाड़ी घुमानी है वहां से, ठीक है, कार घुमानी है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन चाहिए, mg शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन सो दैट इट शुड रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द रोड सर्फेस। समझ में आ रहा है, रोड सर्फेस के कॉन्टेक्ट में आने के लिए उसमें क्या कंडीशन चाहिए, mg शुड बी ग्रेटर देन द नॉर्मल रिएक्शन, बराबर। तो यहाँ पे आपको कंडीशन तो लेना ही पड़ेगा, हमने यहाँ पे कंसिडरेशन अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो कंसिडरेशन, लेट अस कंसीडर दैट, वही चीजें है सभी, कंसिडरेशन लेट क्या है, m बी द मास ऑफ व्हीकल, बराबर है, मास ऑफ व्हीकल। देन यहाँ पे आप वेलोसिटी भी कंसिडर करना है, लेट सपोज v बी द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, यहाँ पे हम मैक्सिमम वेलोसिटी लेने वाले हैं, वी मैक्स शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। n आपको पता है नॉर्मल रिएक्शंस, ये सारी चीजें तो आपको पता है, आप बहुत सारे डेरिवेशन किए, नॉर्मल रिएक्शंस ऑफर्ड बाय द रोड सरफेस, नॉर्मल रिएक्शंस ऑफर्ड, ओके कौन ऑफर्ड कर रहा है, रोड सरफेस ऑफर्ड बाय द रोड सरफेस, रोड सरफेस, ये सभी चीजें आपको पता है, क्लियर। देन वेट mg व्हिच इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, देखो यार। तो यहाँ पे आपको पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कार परफॉर्म कर रहा है, that car is performing the vertical circular motion, यहाँ पे car और vehicle, okay, is performing vertical circular motion, क्या परफॉर्म कर रही है कार, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, बराबर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, बराबर है। अगर तो फिर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म के लिए इट रिक्वायर्ड, बराबर है, it required necessary centripetal force, उसको necessary centripetal force चाहिए, पता है centripetal force के वजह से वो circular motion में रह सकती है, अगर necessary centripetal force नहीं है तो वो circular motion में नहीं रहेगी, it required necessary centripetal force, and यहाँ पे ये necessary centripetal force आपको पता है क्या रहता है, necessary centripetal force, this particular centripetal force it is nothing but the net force toward the center, centripetal force is nothing but net force toward the center, net force toward the center, center की तरफ जाने वाला net force रहता है। तो ये सारी चीजें हमने तो पहले बता दी है, centripetal force का already एक special lecture I have already provided you, if you how to revise it then you can check it on YouTube, okay। So, आपको पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, देखो नेट फोर्स यहाँ पे कौन बैलेंस करेगा, देखो नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, mg माइनस n है नेसेसरी नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि देखो mg नीचे है n ऊपर है, तो नेट फोर्स क्या होगा, यस नेट फोर्स क्या होगा, दैट mg माइनस n, n mg माइनस n विल बी द नेट फोर्स, बराबर है, mg माइनस n विल बी द नेसेसरी, yes necessary, that is, and that will provide you the necessary centripetal force here, the mg minus n will provide you the necessary centripetal force, that is mv square by r, barabar. So in this case therefore mg minus n will provide you the necessary centripetal force mv square by r, clear, dekh sakte ho aap yahan pe dikh raha hai mg which is acting, net force hum lete to mg minus n lena padega, aur net force kya mv square by r hai, so mg minus n will provide you the necessary centripetal force in this case, clear, okay। So this is the equation for the, okay, this is very very important in case of a circular motion। Abhi hame yahan pe hum consider kya kar rahe ki, let's suppose this particular vehicle is moving with maximum velocity, this particular vehicle it is moving with the maximum velocity, अब अगर ये व्हीकल मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर घूम रहा है, बराबर, मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि नॉर्मल रिएक्शन विल बी ए जीरो, ठीक है, उस समय में नॉर्मल रिएक्शन क्या ऑफर्ड होगी, जीरो, क्योंकि पता है आपको अगर यहाँ पे अगर स्पीड बढ़ गया तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, देखो
यहाँ पे n को इधर भेज दो, n को इधर भेज दो तो n इधर आ जाएगा, बराबर है। एम वी स्क्वायर बाय आर को इधर लेके आओ, बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर को इधर लेके आओ। इसको और तरीके से लिख सकते हो, n इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। देखो यहाँ पे दिखाई देगा। अब अगर आप v बढ़ा रहे हो, v बढ़ा रहे हो तो देखो mg माइनस cmv स्क्वायर बाय r, मगर आप इसका वैल्यू बढ़ा रहे हो तो टोटल नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, दिख रहा है आपके? अगर आप v बढ़ा रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बराबर है। इसका मतलब क्या, इधर लिख रहा हूं मैं, इफ v इज इंक्रीजेस, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो v बढ़ा रहे हो तो ए वैल्यू बढ़ रही है, ए वैल्यू बढ़ रही है तो इसमें से ज्यादा वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शंस क्या हो रहा है, कम 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 हो रहा है, बराबर, क्लियर। तो हम क्या मान यहाँ पे कंडीशन ले रहे कि v शुड बी अ v मैक्स, हमें ऐसी स्पीड लिमिट निकालनी है, बराबर है, दैट शुड बी अ मैक्सिमम स्पीड लिमिट, उसके आगे नहीं जा सकते। तो उसके लिए हम नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे क्या लेने वाले, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन क्या लेने वाले, जीरो, दैट v बी द सच लिमिट वे एट दैट टाइम द नॉर्मल रिएक्शन बिकम जीरो। Okay, V max be the such a speed of a car, at that time the normal reaction will become zero. V max will be such a limit, such a speed of a car, at that time the normal reaction will become zero. तो हम यहाँ पे V max concept, V के जगह पे V max put कर देंगे और normal reaction को क्या लेंगे, zero ले लेंगे, clear? तो normal reactions को हम क्या ले लेंगे, zero. तो यहाँ पे मैं अभी solve करता हूँ, clear? देखो यहाँ तक के note down किया है, तो यहाँ पे so for normal reaction is zero, v will be the v max. So normal reaction is equation, let's suppose this is the equation number one. So equation one implies that, equation one क्या बनेगा मुझे बताओ, mg normal reaction हमने ले लिया zero, then v, v के जगह पे v max आने वाला है, बराबर है, divided by r. अभी m से m मर जाएगा तो यहाँ पे v max, okay, v max square is equal to क्या मिल जाएगा, rg, बराबर है, and therefore v max is equal to क्या बन जाएगा, रूट आर जी। सो दिस इज नथिंग बट द सेट स्पीड, ओके, ये स्पीड है, इस स्पीड से, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड लिमिट फॉर द व्हीकल टू रन ऑन द ओवरब्रिज और कॉनकेव रोड सरफेस। अगर आप इस स्पीड से अगर ज्यादा घुमाते हो तो डेफिनेटली आपका एक्सीडेंट होना पक्का ही है। इसका मतलब रूट आर जी से कम ही स्पीड से आपको जाना पड़ेगा, क्लियर। सो दिस इज नथिंग बट द अपर लिमिट, this is nothing but the upper limit. देखो यहाँ पे हमें upper limit पूछा था, हमने upper limit निकाल लिया, बराबर है, root r g. और यही हमारा formula हमने कल derive किया था, अगर आपको पता है तो, root r g on the topmost position जो velocity रहेगी of bob, वो क्या थी, root r g थी। अगर आपने अच्छी तरीके से lecture attend किया होगा, आपने note down किया होगा तो आपको पता है, एक बार revise कर देना उसको। तो इसका मतलब आपको रोड सरफेस के ऊपर जाना है तो इसी स्पीड से आपको जाना पड़ेगा। वेयर आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड सरफेस, लेट्स सपोज दिस इज द सेंटर, ये बन गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड सरफेस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड सरफेस। तो स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, दिस कर्वेचर के ऊपर डिपेंड है, कर्वेचर के ऊपर डिपेंड है, यानी कि रेडियस अगर ज्यादा है तो स्पीड आप ज्यादा से ज्यादा रख सकते हो, मगर अभी छोटा सा ऐसा स्पीड ब्रेकर है ऐसा, ठीक है, छोटा सा स्पीड ब्रेकर है ऐसा, छोटा सा, तो आपको पता है अगर स्पीड यहाँ पे कर्वेचर तो बहुत स्मॉल बन जाएगा, यानी कि रेडियस बहुत स्मॉल बनेगा, बराबर है। तो इसका मतलब आपको स्पीड लिमिट भी कम से कम मिलेगी, कम से कम स्पीड। देखो आपके पास में दो स्पीड ब्रेकर है, मैं आप अभी आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से स्पीड ब्रेकर है एक, और दूसरा स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे, मुझे बताओ आपको कहाँ पे कम से कम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, बताओ। दिस इज द फर्स्ट स्पीड ब्रेकर, दिस इज द सेकंड स्पीड ब्रेकर, ओके, स्पीड ब्रेकर दिख नहीं रहा, स्पीड ब्रेकर, ठीक है। तो आपको कहाँ पे कम से कम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, यहाँ पे कम से कम स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, सेकंड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से आप जा सकते हो, मगर यहाँ पे ज्यादा स्पीड से अगर आप गए तो आपका थोड़ा फार तो भी वेट, जो व्हीकल है वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आपको नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स मिलने नहीं देगा, आप सर्कुलर मोशन में नहीं रह सकते, तो इसका तो जो भी व्हीकल है थोड़ा सा अपवर्ड लिफ्ट हो गए। और ये आप डे टू डे लाइफ में देख सकते हो, थोड़ा सा व्हीकल जो भी आपके पास में मोपेड है, बाइक है, थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से घुमा के देख लो, आपको ये सारा प्रैक्टिकल चीजें पता चल जाएंगी, क्लियर। तो इसीलिए तो हम गियर डाउन करके थोड़ा सा कम स्पीड से वहां से चले जाते हैं, बताओ, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंडीशन, क्लियर। कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज आपको समझ में आ रहा है, यस और नो, यस और नो, जस्ट नोट इट डाउन प्रॉपरली, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो।
ठीक है, पुट इट डाउन प्रॉपरली, क्लियर। अभी हम कॉन्वेक्स तो देख लिया हमने, अभी हम कॉन्वेक्स की कॉनकेव देखेंगे, कॉनकेव कॉनकेव के लिए क्या चीज है। क्लियर क्लियर कर दे फिनिश। यस करती है सर आज, यस सर डन कर दू क्लियर। ठीक है, अभी हमें देखना है कॉनकेव ओवर ब्रिज, अभी हमें देखना है कॉनकेव ओवर ब्रिज, कॉनकेव। ठीक, सो यहाँ पे तो एक्सप्रेशन वगैरह कोई पूछने नहीं जाते हैं, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, हाउ डज द नॉर्मल फोर्स, हाउ डज द नॉर्मल फोर्स ऑन अ कॉनकेव सस्पेंशन ब्रिज, सिर्फ ब्रिज लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको थोड़ा सा एडिशनली वो बता देते बड़ी, कॉनकेव सस्पेंशन ब्रिज चेंज व्हेन, अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा है, व्हेन अ व्हीकल इज traveling on it with constant speed, ठीक। How does the normal force on a concave suspension bridge change when a vehicle is traveling on it with a constant speed? तो अभी यहाँ पे हमें कॉनकेव ओवरब्रिज लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉनकेव ओवरब्रिज ले लेंगे। सबसे पहले वी विल ड्रॉ वन कॉनकेव ओवरब्रिज ओवर हियर, आप इधर आ जाओ। ठीक है, चलो एक कॉनकेव ओवरब्रिज ले लेते, कॉनकेव दिस इज लाइक दिस, बराबर दिस इज द कॉनकेव ओवरब्रिज। ठीक है, कार कहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी आप कार, आपकी कार रह सकती है। ठीक है, आपकी कार यहाँ पे भी रह सकती है, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, कहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो, लेट अस कंसिडर एट एनी पोजीशन, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ से कार मोशन में आ रही है। लेट सपोज वी बी द, यहाँ पे वी बी द वेलोसिटी ऑफ अ कार, वेलोसिटी ऑफ अ कार, यहाँ पे उन्होंने कार पूछा है तो हम कार लेंगे, बराबर है, और व्हीकल पूछा है तो व्हीकल ले लेंगे, व्हीकल है तो व्हीकल, बराबर है। Let's suppose v be the velocity of vehicle, r be the radius of curvature of that particular concave over bridge, concave bridge. Now, आपको पता है यहाँ पे mg कहाँ पे act होगा? कौन सी भी एक condition ले सकते हो आप, कौन सा condition लेना चाहते हो आप? First of all, let us consider this is the radius of curvature. Let's suppose ये आपका radius of curvature है, बराबर है, radius of curvature. That is nothing but the r. हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, यहाँ से कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे तो वैसे ही कैलकुलेट करते आए ना, आने वाला है एट एनी एंगल, बराबर है। लेट सपोज दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर विद द फ्रॉम द सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ किया है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लो। एम जी कहाँ पे दिखा सकते हो एम जी विच इज इन द पर्टिकुलर डाउनवर्ड डिरेक्शन, बराबर, तो mg दिखा दो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका mg जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा, बराबर, mg विल बी एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, लेट सपोज दिस पर्टिकुलर रेडियस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा, इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल के साथ में वो थीटा एंगल मेड कर रहा है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस mg को रिजॉल्व कर सकते हो mg को टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में। लेट सपोज ये वाला उसका कंपोनेंट है mg cos थीटा, बराबर, मुझे बताओ ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा ही बनने वाला है, बराबर है, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा आपका mg cos थीटा, बराबर, ये वाला कंपोनेंट बनेगा आपका mg cos थीटा, ऑफ कोर्स mg cos थीटा विल बी अलोंग दिस पर्टिकुलर, यस, रेडियस वेक्टर के अलोंग ही रहेगा वो mg cos थीटा,
क्लियर? यस। तो मुझे बताओ नॉर्मल रिएक्शन जो रोड सरफेस यहाँ पे ऑफर्ड करने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन जो रोड सरफेस यहाँ पे ऑफर्ड करने वाला है वो किस डायरेक्शन में रहेगा? कौन बताएगा नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय दिस पर्टिकुलर रोड सरफेस? नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय दी रोड सरफेस किस डायरेक्शन में रहेगा? कौन बताएगा नॉर्मल रिएक्शन? यहाँ पे जो भी नॉर्मल रिएक्शन रहेगा इट इज अलॉन्ग दिस डिरेक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी अलॉन्ग दिस डिरेक्शन, बराबर। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए, बराबर है, कौन सा फोर्स यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए और विच फोर्स विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स? किसका कॉम्बिनेशन आपको नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा? यहाँ पे mg नहीं प्रोवाइड कराएगा, बराबर है। आपको देखना है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, आपको देखना है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ जाने वाला नेट फोर्स कौन सा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेट फोर्स है नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर n माइनस mg cos थीटा, दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, दिस माइनस दिस, बराबर है। सेंटर की तरफ जाने वाला फोर्स हमेशा ज्यादा ही रहेगा, बराबर। तो n माइनस mg cos थीटा विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। सो n माइनस mg cos थीटा विल गिव यू द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स दैट इज mv स्क्वायर बाय r इन दिस केस। वहां पे ऐसे नहीं था, वहां पे mg माइनस कॉनकेव सरफेस कॉन्वेक्स सरफेस पे mg माइनस n था, यहाँ पे n माइनस mg, बराबर है। और cos थीटा अगर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो cos थीटा निकल जाएगा, सिर्फ mg आ जाएंगे, वो भी कंडीशन देख लेंगे, हमने एक रैंडम कंडीशन ले लिया एट एनी पॉइंट के लिए। सो n माइनस mg cos थीटा विल गिव्स यू द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा रहने वाला है, बराबर है, mg cos थीटा से, mg cos थीटा और mg से नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा चाहिए हमें, बराबर है, वर्टिकली अपवर्ड रोड सरफेस के ऊपर, ठीक है, इक्वल रिएक्शन चाहिए, ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो प्रॉपर चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन अगर नहीं होगा तो फिर लेफ्ट होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन हमें ज्यादा चाहिए, बराबर है, वेट तो रहेगा ही मगर नॉर्मल रिएक्शन भी चाहिए, तो n माइनस है, n ग्रेटर चाहिए mg cos थीटा से, n माइनस mg cos थीटा लेना है एंड दैट विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इन दिस केस। सो n माइनस mg cos थीटा विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इन दिस केस। तो आप n के लिए रिलेशन भी बना सकते हो mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा, mg cos थीटा। देखो यहां पे अभी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अलग चीज हो रही है, वहां पे अलग हो रही थी, वहां पे स्पीड बढ़ रहा था तो नॉर्मल रिएक्शन घट रही थी, मगर यहाँ पे वैसी चीज नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो, अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपका, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये पूरा कंप्लीट टर्म बढ़ेगा, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ेगा, बराबर है, बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, मगर हमें बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन भी नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन अगर आपको प्रोवाइड हो तो आपका लेकर अगेन वर्टिकली अपवर्ड लिफ्ट हो जाएगा, बराबर है। तो ये सेफ लिमिट यहाँ से आप निकाल सकते, यहाँ से आप सेफ लिमिट निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले से, सेफ लिमिट निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है। अगर नॉर्मल रिएक्शन पूछता है, वेलोसिटी पूछता है, तो यही आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अभी देखो अगर यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर लेता था व्हीकल, यहाँ पे अगर कंसिडर कर लेता था तो एम जी यहाँ पे था, बराबर है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में था, बराबर है, तो एन माइनस एम जी विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, बराबर, एन माइनस एम जी विल प्रोवाइड यू द नेसेसरी नेसेसरी यस नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। सो यही बात आपको ध्यान में रखनी है, बस यही से आप स्पीड का रिलेशन वगैरह यही तक कि आपको यहाँ इसको डिराइव करना है, आगे कुछ करना नहीं है इसमें, क्लियर, यहाँ तक कि आपको डिराइव करना ही है, n माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सिर्फ कंडीशन ध्यान में रखना, हाउ डज द नॉर्मल फोर्स ऑन अ कॉनकेव सस्पेंड ब्रिज व्हेन अ व्हीकल इज ट्रैवलिंग ऑन विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से स्पीड के ऊपर डिपेंड रहेगा। I will note it down. Note down कर लो इसको अच्छी तरीके से, चलो। So these are the applications of the vertical circular motion, speed breaker, concave or convex over bridge. ये हमने आज देख लिया है, solve कर सकते हो इसके ऊपर, क्या अभी problems motorcycle आने वाला है, problems इसके ऊपर। So,
चलो अभी क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, ठीक है, कंप्लीटेड, यस और नो? नो, नोट डाउन द क्वेश्चन नंबर 17, एप्लीकेशंस ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन. क्वेश्चन नंबर 78 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करो. क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 नोट डाउन करो. नॉन न्यूमेरिकल ऑन दिस टॉपिक. अ मोटरसाइकिलिस्ट, अ मोटर साइकिलिस्ट इज undergoing vertical circle inside a sphere of death, inside a sphere of death. ठीक है, डेथ वेल में अभी अभी उसने क्या किया, स्पीयर ऑफ डेथ में उसने वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दिया, बराबर है, ठीक है. देन द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड. फुल स्टॉप. कैलकुलेट डायमीटर ऑफ द स्पीयर. कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्पीयर ऑफ डेथ. That's well होना चाहिए. Okay, how much minimum values? are possible for these two speeds? देखो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अ मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरगोइंग अ वर्टिकल सर्कल इनसाइड द स्पीयर ऑफ डेथ. द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज फ्रॉम 6 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड. कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्पीयर ऑफ डेथ. हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड. How much minimum values are possible for these two speed? तो वो घूम तो रहा है, मगर उसके लिए हमें मिनिमम स्पीड की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है. मिनिमम वैल्यूज फॉर दिस टू स्पीड. सो नोट डाउन द गिवन डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द क्वेश्चन. गिवन डेटा, यस, नोट इट डाउन प्रॉपरली. हाँ, फर्स्ट व्हाट यू आर गिवन दैट वीवी. लेट अस सपोज अ मोटरसाइकिल, उन्होंने क्वेश्चन में ये भी दिया है, कंसीडर एज अ पार्टिकल. इसको कंसीडर करो एज अ पार्टिकल. इसको हमें कंसीडर करना एज अ पार्टिकल. ओके, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर. तो वहां पे स्पीड लिमिट देखो, उन्होंने क्या दी है, स्पीड लिमिट इज वेरीज फ्रॉम 6 to 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड लिमिट कहां से कहां तक वेरी हो रही है, तो यहाँ पे हमें कम से कम स्पीड दी है और मैक्सिमम स्पीड दी है, कम से कम और मैक्सिमम. अभी बताओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कम से कम स्पीड कहाँ पे रहेगी और मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे रहेगी.